वेलकम टू माय चैनल साइंसेस के। मैं आज इस चैनल पे आया हूँ। जो आपका रिलेशन फंक्शन की चैप्टर चल रही थी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 की, तो मैंने पार्ट 1 तक के कंप्लीट किया था। आज ये पार्ट 2 की वीडियो है, तो हम आपसे एक गुजारिश करेंगे, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अगर डायरेक्टली पार्ट 2 को देख रहे हैं तो चीज़ें समझ नहीं आएगी। इससे बेहतर है कि आप पार्ट 1 की जो लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दी गई है उसको आप खोल करके देख लो। इस डिस्क्रिप्शन में आपको थ्योरी की भी लिंक मिल जाएगी, उसको भी आप खोल करके वीडियोज को देख लो, तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी। तो चलिए, पार्ट 1 तक के हम लोग डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर 1 का सभी क्वेश्चन को। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दूसरा क्वेश्चन से। तो दूसरा क्वेश्चन में सवाल है कि सो दैट रिलेशन आर ए बी में रिलेशन दिखा रहा है कि ए लेस देन इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और हमको प्रूव करना है। देखिए, ये चीज़ें प्रूव करने वाला है ना रिलेशन फंक्शन में, बहुत चीज़ें आसान है क्योंकि उसमें हमको चेक नहीं करना होता है, अपना दिमाग से सोचना नहीं रहता है कि ये इसको प्रूव किया जाए कि फॉल्स किया जाए। यहाँ पे सवाल ये बोल रहा है ना कि हमको प्रूव कर दो कि ये नाइदर रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। ये हमको सवाल को प्रूव करने हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहले आप अगर चेक ही कर लो, चेक करने में क्या दिक्कत है, चेक रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव को अगर चेक करेंगे तो फार्मूला क्या बनता है, ए आर ए का मतलब यहाँ पे ए और बी में कैसा रिलेशन, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ए आर ए में कैसा रिलेशन, ए लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। तो आप खुद समझते हैं कि ए लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर का मतलब कोई भी अगर ए का वैल्यू लेंगे रिलेशन रियल नंबर का, क्योंकि ये सेट ही रियल नंबर का है, सवाल आप पूरा देखेंगे तो पता चलेगा। हम इसमें मेन चीजें सवाल में लिखे हैं जो मेरे को करनी थी। तो रियल नंबर का सेट एक अगर रखेंगे तो एक एक स्क्वायर तो ठीक है, एक एक के बराबर हो जाए, लेकिन छोटा कहाँ हो रहा है, दो दो का स्क्वायर, ये छोटा हो जा रहा है दो, लेकिन बराबर दोनों साथ साथ होने चाहिए जो कि पॉसिबल ही नहीं है नेचर में, इसीलिए ये फॉल्स है। विच इज फॉल्स, सो इट इज नॉन रिफ्लेक्सिव। और नहीं तो अगर मेरे को प्रूफ करने वाला जो रिलेशन फंक्शन के सवाल आती है कि आप प्रूफ कीजिए कि ये सिमेट्रिक नहीं है या रिफ्लेक्सिव नहीं है या इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, तो वैसे भी चीज़ें और आसान होती है क्योंकि हमको सिर्फ ट्रू फॉल्स फटाफट लिखनी होती है कि हाँ ये ट्रू है कि नहीं, गलत है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो हमको प्रूफ करना है कि नहीं रिफ्लेक्सिव, नहीं सिमेट्रिक और नहीं ट्रांजिटिव। तीनों जब नहीं प्रूव करना है तो क्या प्रॉब्लम है, तीनों में फॉल्स फॉल्स कर देंगे तो तीनों नहीं होंगे, तो ये नहीं हो जाएंगे। उस तरह से चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव, हमको सिर्फ लैंग्वेज लिखना है। इसका फार्मूला होता है ए आर बी से बी आर ए, ए आर बी का वैल्यू क्या होगा, ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, बी आर ए का वैल्यू क्या होगा, बी इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ये सही बात के तौर पर सोचना नहीं है क्योंकि सवाल में हमको इसकी वैल्यू को नहीं दिखाना है। तो विच इज फॉल्स, विच इज फॉल्स, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं। उसी तरह से अगर हमको रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव को चेक करना है तो चेक ट्रांजिटिव, और आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि ट्रांजिटिव को भी नहीं दिखाना है क्योंकि तीनों को नोट नो नो का मतलब होता है तीनों नहीं है। तो इसको चेक करने का फॉर्मूला है ए आर बी, बी आर सी, ए आर सी। हम बार बार बोल रहे हैं, अगर आप थ्योरी बढ़िया से नहीं देख पाएंगे, पाठ्यक्रम की वीडियोज को जो सॉल्यूशन क्या उसको नहीं देख पाएंगे तो चीज़ें समझ नहीं आएगी। खैर, ए आर बी का मतलब क्या, तो ए और बी में जो रिलेशन है वो ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, तो बी इस स्थिति में कैसा रिलेशन होगा, बी लेस देन सी स्क्वायर ए। अब ये सही बात की गलत बात जब हम चेक कर रहे होंगे वहां पर मेरे को सोचना पड़ता है, लेकिन यहाँ सोचेंगे नहीं क्योंकि हमको प्रूव ही करना है कि ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिव नहीं है तो यहाँ लिख देंगे विच इज फॉल्स, ये गलत है, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर तीसरा को आप पढ़ रहे होंगे क्वेश्चन में कि इस रिलेशन में एक सेट दिया हुआ है, 1 से लेकर 6 तक की सेट दी हुई है और हमको एक चेक करना है। देखिए, यहाँ पे सो और प्रूफ वर्ड नहीं है, सो का मतलब होता है कि आप दिखाओ कि ये रिफ्लेक्टिव है, सिमेट्रिक है या नहीं है, जो भी चीजें, या फिर प्रूफ करने वाले केस में भी सेम है, लेकिन चेक करने का मतलब है कि आप अपने दिमाग से चेक करो कि ये रिफ्लेक्सिव होती है कि नहीं होती है, ट्रांजिटिव होती है कि नहीं है,
ट्रांजिटिव सिमेट्रिक होती है कि नहीं होती है। तो कहने का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है चेक, यानी कि अपने माइंड पे डिपेंड करता है कि उसके अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव होता है कि नहीं होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या रूल्स है वो अपने सोच के ऊपर करेंगे। तो यहाँ पे चेक लिखा हुआ है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे हमको खुद से चेक करना है रिलेशन। अब यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है कि चेक करो कौन सा रिलेशन, तो तीन ही तो रिलेशन होते हैं रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो क्या प्रॉब्लम है, बस अपने स्टेट दिया हुआ है और दोनों में रिलेशन। देखिए रिलेशन जो दिया है ए और बी में रिलेशन दिया हुआ है, कैसा रिलेशन दिया हुआ है, तो ए और बी में रिलेशन जो दिया हुआ है बी बराबर ए प्लस वन का रिलेशन दिया हुआ है, ये चीजें गिवन है। और यहाँ से हमको सॉल्यूशन करते वक्त चेक करेंगे सिमेट्रिक सॉरी रिफ्लेक्सिव को शुरू से ही चेक करेंगे, ऐसे आप जो हम उसको रिलेशन को चेक कर सकते हैं पहले, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ए आर ए फार्मूला होता है तो बार बार बोल रहे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, अब थ्योरी की पार्ट वन की वीडियो उसको देखा करो पहले, तब समझ आने की बात है। ए आर ए का मतलब क्या, तो जब ए आर बी का मतलब दिस, तो ए आर ए का मतलब ए बराबर ए प्लस वन। अब खुद से सोचिए कि अगर ऐसा रिलेशन होगा तो ये सही बात ही सुन रहे हैं, यही चीज फॉल्स एज क्यों गलत, क्योंकि अगर कोई पांच रुपए है और किसी के पास पांच से एक ज्यादा रुपए है तो दोनों कैसे बराबर हो सकते हैं, इसलिए ये बात गलत है। सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। दूसरा करते हैं चेक, चेक सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का चेक करने का फार्मूला यही है ए आर बी से बी आर ए, इसका मतलब है कि अगर ए आर बी से अगर बी आर ए हो जाएगा तो वो सिमेट्रिक हो जाता है। तो ए आर बी से बी आर ए जाने के लिए ए आर बी का मतलब क्या, ए आर बी का मतलब बी बराबर ए प्लस वन, और बी आर ए का मतलब क्या, ए आर ए बराबर बी प्लस वन, क्योंकि बी पहले आया है तो इसको उल्टा करके लिखेंगे। तो अब आप खुद समझिए ऐसे सिचुएशन में लेफ्ट वाले को सही मानने में राइट वाला सही होना चाहिए, और इसको सही मानने के लिए आपको सेट दिया हुआ है, यानी कि ए बी का वैल्यू ऐसा कुछ लेना है कि इतना ही सेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि साथ लेकर आप चेक नहीं कर सकते हैं, यानी कि लेफ्ट वाले को सही करने के लिए सेट में जो दिया हुआ नंबर है उसी का यूज कर रहे हैं, सात आठ या निगेटिव नंबर को यूज नहीं करेंगे यहाँ पे। तो लेफ्ट वाले को सही करना है तो आप बी का वैल्यू कुछ भी ले लो, बी का वैल्यू मान लिया चेक करने के लिए पांच ले लिया, तो ए का वैल्यू लेना पड़ेगा, बी बराबर पांच लिया तो ए का वैल्यू चार लेना पड़ेगा। अगर ऐसा लिए हम सेट में तो लेफ्ट वाला तो सही हो जा रहा है, अगर लेफ्ट वाला सही होने पर राइट वाला सही होना चाहिए ना, देखते हैं ए का वैल्यू चार बराबर बी का वैल्यू पांच और एक छह, तो क्या ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। तो आप अपने माइंड में चेकअप करो, ये बातें यहाँ पे दर्शाना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट आप लिखो विच इज फॉल्स, ये बातें गलत है, विच इज फॉल्स, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक, यानी कि सिमेट्रिक नहीं है। अब चेक करते हैं ये चीजें हम बगल में लिख रहे हैं, आपके पास कॉपियां लंबी होती है तो आप इसके नीचे ही चेक कर सकते हैं ट्रांजिटिव, हम बगल में डालते हैं इसको, चेक ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव को चेक करने का फॉर्मूला है ए आर बी बी आर सी, सेम मिलना चाहिए ए आर सी। अब इन चीजों को हम किसको जो वैल्यू दिया है रिलेशन का उसको लिखेंगे, ए आर बी में कैसा रिलेशन है तो बी बराबर एक प्लस वन, तो बी बराबर एक प्लस वन, उसी तरह से बी आर सी का रिलेशन तो बी आर सी का होगा सी बराबर एक प्लस वन, और ए आर सी का मीनिंग होगा सी बराबर ए प्लस वन। ऐसे केस में हमको लेफ्ट वाले दोनों को सही मनवाना जरूरी है, इसको भी सही मनवाना है, इसको भी सही मनवाना है, दोनों को सही मनवाने दे, फिर देखते हैं कि राइट में जो है वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर राइट वाले में सही हो जाता है तो ये मेरा ट्रांजिटिव हो जाएगा, सही हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं होता है तो वो ट्रांजिटिव नहीं होता। चलिए इसको सही मनवाने के लिए बी का वैल्यू लेते हैं दो, क्योंकि दो सेट में है, और ए का वैल्यू लेना पड़ेगा एक, तभी तो मेरा ये और बात सही होगा, सेट सही यूज करना है। अगर कोई बोलेगा सर सेट में दिया ही नहीं हुआ, तो सेट में हमेशा दिया रहता है, चाहे आर लिखता है, आर का मतलब आपको समझना चाहिए पूरे रियल नंबर, अगर जेड दिया रहेगा तो उसका समझना चाहिए इंटीजर नंबर, तो वो सेट दिया हुआ रहता है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आप पूरा रियल यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सेट बनाया है एक से लेकर छह तक, तो आप छह तक ही यूज करोगे इसमें, तो ये तो सही हो जा रहा है। लेकिन सी बराबर बी प्लस सी में बी का वैल्यू आप टू यूज कर चुके हैं, तो टू प्लस वन थ्री, तो सी का वैल्यू थ्री यूज करना पड़ेगा, यानी कि ए का वैल्यू वन, बी का वैल्यू टू, सी का वैल्यू थ्री पे लेफ्ट वाले पार्ट सही हो जा रहे हैं।
अब इसको सही मानने पे ये सही होना चाहिए, ये तो सही मान लिया है, देख लीजिए इस वैल्यू पे ये वाला सही है, तो इसी वैल्यू पे राइट वाले सही होना चाहिए, तो सी बराबर कितना 3, ए का वैल्यू कितना 1 प्लस 1, तो क्या 3 बराबर 2 का होता है, कभी नहीं होता है, ये चीजें नहीं होती है, इसका मतलब ये भी क्या है गलत होता है। तो इसको हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे थे, आप साइड में चेक कर सकते हैं, तो यहाँ हम लोग को पता चला कि ये बातें गलत है, which is false, so it is not transitive, यानी कि transitive ही नहीं है। तो हम लोग फाइनल आंसर लिख सकते हैं कि it is neither reflexive, यानी कि नहीं reflexive है, nor symmetric, पूरा पूरा नहीं लिखा है, sim का मतलब समझ जाइएगा symmetric, nor trans का मतलब transitive, हालांकि आप एग्जाम में पूरा का पूरा लिखेंगे, वहां पे शॉर्ट मारने का कोई जरूरत नहीं है, हम यहाँ चीजों को जल्दी जल्दी समझाने का प्रयास कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो हम इसको शॉर्ट लिख रहे हैं ट्रांस, मतलब कि ट्रांजिटिव। तो चलिए नेक्स्ट नंबर चौथा नंबर आप देख पा रहे हैं, इसमें आ गया सो, तो हम हमेशा बोल रहे हैं सो कर्ण वाले रिलेशन में कोई भी क्वेश्चन सो करना है या प्रूव करना है उसमें एकदम प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि वहां पे साफ साफ लिखा रहता है कि ये जो रिलेशन दिया हुआ है इसको आप प्रूव करो कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव भी है, बट सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक। तो क्या दिक्कत है, हमको तो ट्रू और फॉल्स पे काम करनी है, जो रिलेशन दिया हुआ है उसको बस बैठा कर और ट्रू और फॉल्स करते चले जाना है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सॉल्यूशन, पहला बात की जो मेरा गिवन है, क्या गिवन है, तो ए और बी में जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है, ए बी से छोटा या बराबर है, यानी कि ए इज लेस देन एंड इक्वल टू बी। यहाँ पे रिलेशन जो दिया है ए और बी में रिलेशन, वो कैसा रिलेशन है, ए छोटा और बी के बराबर है, ए बी से छोटा है और बी के बराबर भी है। चलिए इसी कॉन्सेप्ट पे, इसी रिलेशन पे हम लोग चेक करते हैं, और चेक करना अलग नहीं है क्योंकि यहाँ पे सो ही करना है, प्रूव ही करना है, तो चेक करते हैं रिफ्लेक्शन को। फार्मूला होता है ए आर ए, अब इसमें ए आर ए की जगह पे बैठाएंगे तो ए लेस देन इक्वल टू ए। अब इस बात को हमको दिमाग के लिए लगाना है कि ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, क्योंकि यहाँ पे हमको दिखाना है रिफ्लेक्सिव, तो विच इज ट्रू होगा तभी तो हम रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं, सो इट इज रिफ्लेक्सिव, जहां पर दिमाग ही नहीं लगाना है रिफ्लेक्सिव हो गया। उसी तरह से चेक करेंगे सिमेट्रिक, सिमेट्रिक को अगर चेक करेंगे तो फार्मूला लिखेंगे ए आर बी से बी आर ए। अब ए आर बी से बी आर ए होने के लिए कुछ नहीं, हमको ए आर बी का मीनिंग ही है ए लेस देन इक्वल टू बी, और बी आर ए का मतलब बी इज लेस देन इक्वल टू ए। अब इस सिमेट्रिक को क्या दिखाना है, नहीं दिखाना है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, गलत दिखाना पड़ेगा कि ये बातें गलत है, तो डायरेक्ट यहां लिख दीजिए विच इज फॉल्स, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। प्रूव करने वाला रिलेशन का कोई भी प्रूव करने वाला सवाल या शो करने वाला सवाल में एकदम प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। चलिए चेक करते हैं ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव चेक करने के लिए फॉर्मूला लिखिए ए आर बी बी आर सी ए आर सी। सिर्फ लैंग्वेज के चैप्टर जो है लैंग्वेज पे बेस्ड है, लैंग्वेज आपको लिखना पड़ेगा चाहे कितने भी समझ में आती है। ए आर बी का मतलब ए इज लेस देन इक्वल टू बी, बी आर सी का मतलब बी इज लेस देन इक्वल टू सी, ए आर सी का मतलब ए लेस देन इक्वल टू सी। इसमें आपको चेक करने का भी जरूरत नहीं है, ज्यादा माथा का यूज नहीं करना है दिमाग का, क्योंकि यहाँ पे हमको चेक करना है ट्रांजिटिव को होना जरूरी है, इसमें सो यही करना था कि ट्रांजिटिव है तो ये सही बात होगा, और सही बात होगा विच इज ट्रू तभी तो हम बोल सकते हैं कि इट इज ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव है, और जब ट्रांजिटिव हो गया तो अंत में हम आंसर में बोल सकते हैं कि हेंस, अतः इसलिए ये इट इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है, प्रूव भी कर लेंगे। यस, तो ये तो वो करना था, ये चीजें बहुत आसान है, लोगों को रिलेशन चैप्टर वाला फंक्शन वाले बहुत चैप्टर हार्ड लगते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप मेरे साथ जुड़े रहे, जो चैप्टर ज्यादा लेंथी लगते हैं जो समझ नहीं आते हो वो बिल्कुल चुटकियों में समझ आएगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 को देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है चेक,
यानी कि इस बार हमको रिलेशन को चेक करनी है, हमेशा हम बोल रहे हैं जब भी चेक करना है तो वहाँ संयम बरतना है, अपना माइंड का यूज करना है, लेकिन जहाँ भी प्रूफ करने वाला केस हो चाहे शो करने वाला केस हो वहाँ पे ज्यादा दिमाग का यूज नहीं करना है, जो भी चीजें भूल जाएगी उसको प्रूफ करना है, फॉल्स करना है, काम करके चले जाना है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि चेक करो कि रिलेशन रिलेशन का मतलब किस कौन से रिलेशन, मैत्री रिलेशन, लेकिन आर आर का मतलब होता है यहाँ पे सेट दिया हुआ नहीं है, लेकिन जितने भी रियल नंबर होते हैं दुनिया की सभी संख्याएं रियल में होती है आपको पता होगा, तो यहाँ पे कोई भी संख्या यूज कर सकते हैं। जबकि रिलेशन जो दिया हुआ है ए और बी में कैसा रिलेशन है, तो ए इज लेस देन इक्वल टू बी की। चलिए इसको हम लोग चेक करते हैं। पहला रिफ्लेक्सिव को, रिफ्लेक्सिव को चेक करने का फॉर्मूला है ए आर ए। अब जब ए आर बी का मतलब इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि ए और बी में कैसा रिलेशन है, तो ए और बी में रिलेशन है ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू का, ए ऐसा रिलेशन है। तो ए आर ए का मतलब क्या होगा, ए आर ए का मतलब होगा ए क्यू। तो ये क्या सही हो सकता है, ए ए क्यू से छोटा भी हो और बराबर भी हो, एक तो हो सकता है कि एक बराबर है लेकिन छोटा नहीं होगा, तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। Which is false? और जब false हो गया तो so it is not reflexive, ये reflexive नहीं होगा। Next बढ़ते हैं, check करते हैं symmetric को। तो symmetric check करने का formula है A R B से B R A। अब A R B का मतलब क्या, तो A R B का मतलब A B से 2 से छोटा है, तो क्या B A Q से छोटा हो सकता है, तो आपको देखने से ही पता चल रहा है कि एक मरतबा अगर इसको सही मान लेते हैं कि A छोटा है B का Q करने पे, तो B कैसे छोटा होगा A Q करने पे, कभी नहीं छोटा होगा। तो कहने का मतलब कि अगर मान लेते हैं दो जो है A का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, A का वैल्यू दो ले लिया, A का वैल्यू दो ले लिया इसको सही मनवाना है, इसको सही मनवाना है A का वैल्यू दो ले लिया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि a less than equal to bq है और b less than equal to aq है, तो a कभी possible ही नहीं है कि एक बार a bq से छोटा है और एक बार b aq से छोटा हो जाएगा या फिर बराबर, तो a भी नहीं होगा। तो which is false, a गलती है, so it is not symmetric, ये symmetric नहीं होगा। फिर चेक करते हैं transitive को। transitive को चेक करने के लिए चेक लिखेंगे, चेक transitive। ट्रांजिटिव को चेक करने का फॉर्मूला ए आर बी बी आर सी से मिलना चाहिए ए आर सी। अब ए आर बी बी आर सी ये दोनों को सही करने पे ए आर सी मिलना चाहिए, तो आपको खुद चीजें देखने में समझ आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू, इसको लिखेंगे बी लेस देन इक्वल टू सी क्यू क्योंकि रिलेशन यहाँ दिया हुआ है, इसको लिखेंगे ए इज लेस देन इक्वल टू सी क्यू। यहाँ से आपको चीजें समझ आ रहा है, यहाँ पे लेस देन वाला जो है ना हम लोग को काम गड़बड़ कर दिया है, ए इक्वल टू बी क्यू और लेस देन बी, तो हम आप देख पा रहे हैं कि इससे 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 यानी कि ए एक मरतबा बी क्यू से छोटा है, बी सी क्यू से छोटा है, तो क्या ए सी क्यू से छोटा होगा, लेकिन इक्वल वाला मामला है तो दोनों साथ साथ होना चाहिए, इक्वल भी और लेस देन वाला भी। तो हम हमेशा बोल रहे हैं कि जो इक्वल वाला जो लग गया ना वो काम थोड़ा सा गड़बड़ कर देगा या फिर ये वाला काम गड़बड़ कर देगा। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि एक चीजें अगर छोटा में चल सकता था कि ए बी क्यू से छोटा है बी सी क्यू से छोटा है, तो ए सी क्यू से छोटा हो सकता था, लेकिन इक्वल वाला मामला जो है गड़बड़ कर दे रहा है, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं। यहाँ लिख देंगे विच इज नॉट, विच इज फॉल्स, फॉल्स सॉरी फॉल्स, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो आपको क्या पता चला आंसर में, डायरेक्टली फाइनल आंसर भी चलते हैं, इट इज नाइदर रिफ्लेक्सिव, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, नोर सिमेट्रिक यानी कि सिमेट्रिक भी नहीं है, और नोर ट्रांजिटिव यानी कि ट्रांजिटिव भी। तो यहाँ से आप आंसर कर सकते हैं पांचवा का, ये नहीं रिफ्लेक्सिव है, नहीं सिमेट्रिक है और नहीं ट्रांजिटिव था। क्यों, क्योंकि हमको चेक करना था, प्रूफ नहीं करनी थी, अपने माइंड के बेसिस पे इसको चेक करनी थी। छठा नंबर, इसमें भी शो करना है, शो करना है कि रिलेशन आर दिया हुआ है 1 2 और 2 1। देखिए यहाँ पे
कोऑर्डिनेट्स का रिलेशन दिया हुआ है कि वन दो से रिलेटेड है, दो वन से रिलेटेड है। इसमें से हमको इस रिलेशन को चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है, तो चेक नहीं करना है, इसको करना है कि सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है और न ही ट्रांजिटिव है, यानी कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है और सिमेट्रिक है, ऐसा को हमको दिखाना है। और एक सेट जो है बीच में दिया हुआ था क्वेश्चन में, गलती से छूट गया, उसको हम अंदर में दिखाना चाह रहे हैं। आप जब भी एनसीईआरटी या क्वेश्चन देखेंगे तो सेट को बीच में डाला है, मतलब कि ये छूट गया था, तो सेट क्या दिया है, वन टू और थ्री। तो चलिए इस तरह के सवाल को हम लोग कैसे चेक करेंगे जब कोऑर्डिनेट में रिलेशन दिया है। अब तक के लैंग्वेज प्रॉब्लम थी कि ए आर बी में, ए बी में सेट बना के दिया होता था और उसमें हम लोग चेक करते थे, लेकिन यहाँ कोऑर्डिनेट्स में दिया हुआ रहेगा तो हम लोग कैसे चेक करेंगे कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं। बस वही रूल पे काम करना है, चीजें थोड़ा सा लैंग्वेज बोल सकते हैं, चीजें थोड़ा सा अलग आई है, ध्यान से देखिएगा। हम लोग अगर बात करते हैं चेक रिलेशन रिफ्लेक्सिव का, तो फार्मूला क्या होता है, ए आर ए, ए आर ए होता है। ए आर ए का मतलब क्या, खुद खुद का रिलेशन। तो ए आर ए का मतलब खुद खुद का रिलेशन, तो यहाँ वन भी है, टू भी है और थ्री भी है सेट में। तो अगर ए आर ए का मतलब हुआ खुद खुद का रिलेशन, तो वन वन से रिलेशन होना चाहिए था और टू टू से रिलेशन होना चाहिए था और थ्री थ्री से रिलेशन होना चाहिए था, खुद खुद का, खुद खुद का, खुद खुद का। अगर चार आता तो वन वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर तक, यानी कि खुद खुद का रिलेशन बनाते हैं। तो अगर आप देख पा रहे हैं ये वाला जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव का बना, ए रिलेशन में है या नहीं है, नहीं है, वन वन टू टू थ्री थ्री। अब कोई सवाल पूछता कि सर सिर्फ वन वन रहता तब तो हो जाता, नहीं, सबका सब होना चाहिए था, यानी कि वन वन टू टू थ्री थ्री सबका सब होना चाहिए था तब होता, क्योंकि वन वन रहता तब तक नहीं होता, ये तीनों रहना चाहिए था, जो कि ये वाला बात बिलोंग्स नहीं कर रहा है सेट में, ये वाला बात आर में नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम बोल सकते हैं विच इज फॉल्स, ये गलती है, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब दूसरा को चेक करते हैं सिमेट्रिक को। तो सिमेट्रिक को कैसे चेक करेंगे, सिमेट्रिक को चेक करने का फार्मूला है ए आर बी से बी आर ए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो इसको सही मानने पे ना ये सही होना चाहिए, इसको सही मानने पे ये सही होना चाहिए, तो हम लोग देखेंगे कि जो इस सेट में दिया हुआ है उसका उल्टा दिखना चाहिए, जैसे ए बी का उल्टा बी है, ए बी का उल्टा बी है, तो जो रिलेशन में दिया हुआ है उसका उल्टा दिखना चाहिए, उसका उल्टा दिखना चाहिए। मतलब कि अगर इसको सही मान लिया, जैसे टू थ्री को सही मान लिया जो इस सेट में है, तो इससे मेरे को थ्री टू मिलना चाहिए, लेकिन हमको तो वन टू दिया हुआ है ना सेट में, तो यहाँ पे देखेंगे कि वन टू को दिया हुआ है तो क्या इससे टू वन सेट में है, तो सेट में है, ये बात सही है। वन टू ही हम क्यों लिए, टू थ्री भी ले सकते थे, लेकिन उसी चीज को लेना है जो सही माना हुआ है, जो सही माने, सही मानने में इसको सही आना चाहिए, इसको सही मानने मतलब के जो सेट में दिया हुआ है वन टू या टू वन भी ले सकते थे, ये भी सेट में है, तो टू वन से तो वन टू मिलेगा ना जो सेट में है, यानी कि इसको सही मानने पे ये आ रहा है और ये सेट में भी है, तो हम बोल सकते हैं बीच बीच टू। यानी कि इसके लिए आपको टू थ्री का उल्टा थ्री टू जरूरी नहीं है, लेकिन रिफ्लेक्सिव में सबका सब होना चाहिए, अगर एक भी गड़बड़ रहेगा तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में ऐसा नहीं है। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में जो चीजें दी हुई रहेगी सेट में उसी का उल्टा दिखना है या उसी का बी आर सी से ए आर सी दिखना होता है। चलिए दिखाते हैं, ये तो समझ आ रही होगी, ये ट्रू हो गई। अब इसी का चेक करते हैं, चेक ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए फॉर्मूला है ए आर बी और बी आर सी से मेरे को मिलना चाहिए ए आर सी। इसका मतलब ये हुआ कि मान लिया वो वन टू लिया, टू थ्री लिया, तो टू थ्री लिया तो ए टू टू तो बी भी बन गया, ए बी बी सी से मिलना चाहिए वन थ्री, यानी कि ए सी, ए बी बी सी ए सी, यानी कि वन टू टू थ्री से क्या मिलना चाहिए वन थ्री, वन टू टू थ्री से वन थ्री मिलना चाहिए। हो सकता है
1 3 3 4, अगर फोर सेट में होता तब, नहीं तो ऐसे भी ले सकते हैं, अगर ये दोनों रहेगा सेट में तब लेना है 1 2 को रहना चाहिए। मतलब कि ये और ये सेट में रहेगा तो हमको ये सेट में रहना जरूरी है, तब जाके हम ट्रांजिटिव बोल सकते हैं। मतलब कि ये दोनों रहेगा तो इसको रहना जरूरी है, यानी कि ये दोनों रहेगा तो इसको रहना जरूरी है, यानी कि ट्रांजिटिव के लिए जो कंडीशन है ये दोनों सही सेट में आने चाहिए। अगर ये दोनों सही सेट में आ गए तो इसको आना जरूरी है, हम तभी बोल सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि लेफ्ट वाले को तो सही कर पाए इसको इसको, लेफ्ट वाले में तो कोई है ही नहीं, 1 2 है और 2 1 है। तो अगर मान लेते हैं कि 1 2 है और 2 1 है, तो ए बी और बी सी तो है ना, इससे मिलना चाहिए 1 1। क्यों? क्योंकि ये हुआ ए, ये हुआ बी, ये हुआ बी और ये हुआ सी। ए बी बी सी से ए सी मिलना चाहिए, ये हुआ ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 1। तो क्या 1 1 इस सेट में है? नहीं है। यानी लेफ्ट वाले को सही मान लेने पर जो रिजल्ट मिल रहा है ये सेट में नहीं है। अगर ये 1 1 होता इस सेट में तो ट्रांजिटिव हो जाता, बल्कि भी तो मैक्सिम नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि 1 1 ही न था यहाँ, तो मैक्सिम में सबका सब खुद खुद में आना चाहिए। जबकि 1 1 आ जाता तो ये लोग दोनों तो रहते हैं, और ये लोग दोनों नहीं रहते तो हम लोग को काम होता है। इसीलिए ये वाला चीजें रिलेशन में नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि ये चीजें नहीं है, विच इज फॉल्स, यानी कि ये बात एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है, यानी कि इसका हम लोग बोल सकते हैं हेंस इट इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक हो जा रहा है, देख पा रहे हैं इसका उल्टा दिया हुआ है, बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नोर ट्रांजिटिव, ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। अंत में इसको प्रूव्ड भी लिख सकते हैं कि ये चीजें प्रूव्ड हो गया। तो एक क्वेश्चन थी छठा नंबर, सातवें नंबर क्वेश्चन है, सातवें नंबर है सो दैट, यानी कि हमको दिखाना है कि रिलेशन क्या है। देखिए यहाँ पे जो सेट दिया है, सेट का नाम लिखा है कि ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज, किसी कॉलेज का पुस्तकालय के सभी बुक्स सेट में है, चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, सिविक्स का हो, पॉलिटिक्स का हो, किसी भी तरह का बुक्स है, ऑल बुक्स ए लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज, यानी ऑफ अ कॉलेज, किसी कॉलेज का सभी बुक्स सेट बना रहे हैं, उसको सेट बोल रहा है, और आर का वैल्यू दिखाया है कि एक्स और वाई में कैसा रिलेशन है, तो एक्स और वाई सेम नंबर ऑफ पेज, यानी कि एक ही पेज है x और y, सभी किताबें का x और y सेम नंबर ऑफ पेज, और हमको दिखाना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। हम बार बार बोल रहे हैं कि इक्विवेलेंस अगर आपको पता नहीं चलेगा तो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, थ्योरी की लिंक और पार्ट 1 की वीडियो की, तो इक्विवेलेंस को समझने के लिए थ्योरी की लिंक वीडियो को आप देखें। तो इक्विवेलेंस का मतलब होता है कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन हमको शो करना है, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। चेक रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव को चेक करने के लिए फॉर्मूला ए आर ए, जबकि यहाँ जो रिलेशन दिया हुआ है एक्स वाई में रिलेशन दिया हुआ है, एक्स रिलेशन एक्स रिलेटेड टू वाई, यानी कि एक्स वाई में कैसा रिलेशन है, तो एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेज। तो ए आर ए का मतलब क्या हुआ, ए एंड ए हैव सेम नंबर ऑफ पेज, यानी कि ए और ए हैव सेम नंबर ऑफ पेज। तो ये बातें सही की गलत तो दिमाग नहीं लगा रहे, क्योंकि हम शो करना है क्योंकि इक्विवेलेंस है, तो इक्विवेलेंस में तीनों सही होता है, तो इसको भी कर दिया बी चीज ट्रू, विच इज ट्रू, सो इट इज रिफ्लेक्सिव हो गया। उसी तरह से सिमेट्रिक को चेक करने के लिए सिर्फ लैंग्वेज लिखना है रिलेशन में, फंक्शन के चैप्टर में जो भी क्वेश्चन आएंगे इसका फॉर्मूला होता है ए आर बी से बी आर ए होना चाहिए। ए आर बी का मतलब क्या, तो लैंग्वेज लिखिए ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेज, और इसका मतलब क्या हुआ, बी एंड
हैव सेम नंबर ऑफ पेज। अब ये सही बात की गलत बात बार बार बोल रहे हैं, दिमाग में लगा रहे हैं क्योंकि शो करना है। तो विच इज ट्रू, ये सही बात है। सो इट इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट चेक करते हैं ट्रांजिटिव को। तो चेक ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव का फॉर्मूला है ए आर डी बी आर सी से ए आर सी मिलना चाहिए। अब ए आर बी का मतलब क्या, ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेज, सेम नंबर ऑफ पेज। बी आर सी का मतलब क्या हुआ, बी एंड सी हैव सेम नंबर ऑफ पेज, सेम नंबर ऑफ पेज। अब ये दोनों से मिलना चाहिए, ए एंड सी हैव सेम नंबर ऑफ पेज। तो अब यहां पे सही की गलत, तो सही विच इज ट्रू तभी तो इक्विवेलेंस होगा। सो इट इज ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव हो गया। अंत में लिख देंगे हैंस इट इज एंड इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव, ये प्रूव हो गया। क्योंकि यहां से रिफ्लेक्सिव को मैंने सही दिखाया, सिमेट्रिक को सही दिखाया, ट्रांजिटिव को सही दिखाया, तो ये इक्विवेलेंस हो जाएंगे। और जब एक वैलेंस हो जाएंगे तो अंत में प्रूफ मार लेंगे कि हाँ मेरे को ये प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं आठवां नंबर क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में भी आप देख पाओगे इसमें भी शो करना है, जबकि इसमें सेट दिया हुआ है कि इस सेट में कहां से कहां तक यूज करना है, नंबर एक से लेकर पांच तक के यूज करना है। और यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है, यानी कि ए और बी में कैसा रिलेशन है, तो हम बोल सकते हैं कि ए और बी में जो रिलेशन दिया हुआ है a माइनस बी का मॉड है, मॉडुलस का मतलब होता है कि अगर इसके अंदर नेगेटिव है फिर भी पॉजिटिव निकलेगी और पॉजिटिव है फिर भी पॉजिटिव निकलेगी। इज इवन, यानी कि a सवाल में दिया हुआ है कि a और b में कैसा रिलेशन है, तो a माइनस बी का मॉडुलस इज इवन हमको मिलना चाहिए। और ये दिखाना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस का मतलब है कि तीनों सही होना चाहिए, यानी कि तीनों में ट्रू ट्रू करेंगे। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन। पहले मॉडुलस का मतलब समझते हैं। अगर मान लेते हैं कि मॉडुलस के अंदर रिजल्ट है माइनस टू, तो इसको भी लिखेंगे टू, यानी कि मॉडुलस के अंदर इसको पढ़ते हैं मॉड, माइनस टू का मॉड भी टू होता है और प्लस वाले टू का भी मॉड टू होता है। इसका मतलब यह हुआ कि मॉड के अंदर कुछ भी साइन रहे हमको रिजल्ट मिलता है प्लस में ही। जैसे मतलब माइनस 2.6 का मॉड है तो 2.6 निकलेगा प्लस में, अगर 3.2 माइनस में रहेगा उसका भी 3.2 निकलेगा, अगर प्लस में 3.2 है तो उसका 3.2 ही निकलेगा। 2 माइनस 4 का रिजल्ट क्या निकलेगा, जिसको सॉल्यूशन करेंगे तो माइनस 2 मिलेगा और माइनस 2 का मॉड 2 निकलेगा। यानी कि मॉड का मतलब होता है कि अंदर मॉड के अंदर नेगेटिव रहे चाहे पॉजिटिव रहे, तो रिजल्ट जो देगा अंतिम परिणाम वो पॉजिटिव देगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मॉडुलस को हम बना रहे थे ताकि अगर आप समझ नहीं पा रहे होंगे मॉडुलस को उसका डेफिनेशन, तो हम लोग चेक करते हैं चेक रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव को चेक करने का फॉर्मूला ए आर ए, अब ए आर बी का मीनिंग इतना, तो ए आर ए का मीनिंग क्या, ए माइनस ए इज इवन। अब ये सही बात की गलत बात, तो ए माइनस ए गया तो जीरो, जीरो इज इवन, जीरो इज इवन। तो क्या जीरो सम संख्या हो सकता है, तो सम संख्या का डेफिनेशन क्या है कि दो से जो संख्या पूरी पूरी तरह से विभाजित हो जाए, तो जीरो पूरी तरह से विभाजित है तो इज इज ट्रू, ये सही है। सो इट इज रिफ्लेक्सिव। हालांकि ये सही है, जनरली हम लोग इवन संख्या में दो से स्टार्ट करते हैं, जबकि जीरो इवन भी हो सकता है, जीरो इज इवन ऐसा ट्रू है। नेक्स्ट चेक करते हैं, चेक करेंगे सिमेट्रिक को। सिमेट्रिक को कैसे चेक करेंगे, ए आर बी से बी आर ए। ए आर बी का मतलब क्या, ए आर बी का मतलब ए माइनस बी इज इवन, इससे मिलना चाहिए बी माइनस ए इज इवन। अब इसको हमको सही कराना है, लेफ्ट वाले पार्ट को तो सही कराना ही कराना है, लेफ्ट वाला पार्ट सही कराएंगे उससे रिजल्ट देखेंगे कि राइट वाला सही हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो चलिए इसमें हम लोग ए का वैल्यू स्टेट से डालते हैं, ए का वैल्यू चेक किया 3,
बी का वैल्यू चेक किया एक, तो तीन में से एक घटाएंगे तो दो, और दो का मोड दो होता है, दो इवन संख्या है भी, यानी कि इसको तो सही कर लिया। अब इसको बी माइनस ए करना है, तो एक में से तीन घटाएंगे तो बनेगा माइनस टू, और माइनस टू का मोड हो गया टू, तो टू तो इवन संख्या हो गया ना, इसका मतलब है कि इसको सही मानने पे इसको सही आ रहा है, तो हम इसको किए व्हिच इज ट्रू, द ट्रू कर दिए तो सो इट इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक हो गया टी आर ई टू। अब हम लोग चेक करते हैं ट्रांजिटिव को, ट्रांजिटिव को चेक करने के लिए फॉर्मूला है कि ए आर बी बी आर सी से ए आर सी मिलना चाहिए। अब ए आर बी का मतलब क्या, ए आर बी का मतलब हुआ ए माइनस बी इज इवन, बी आर सी का मतलब हुआ बी माइनस सी का मॉड इज इवन। अब ये दोनों को सही मानने पे ए माइनस बी का मॉड इवन होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको अगर आप चेक नहीं भी कर पा रहे हैं तो इक्विवेलेंस शो कर रहे हैं तो डायरेक्ट फट से ट्रू कर सकते हैं, लेकिन हम आपको चेक करके दिखाते हैं। ए का वैल्यू आप कितना रखेंगे, पांच, अगर पांच रख लिया तो कितना घटाएंगे कि इधर आना चाहिए, तो बी का वैल्यू रख लिया तीन, पांच में से तीन घटाएंगे तभी तो दो आएगा और दो इधर संख्या होता है। अब सी कितना लेंगे, तो बी की जगह पे तीन है तो सी का वैल्यू एक लेंगे, इस स्टेटस से लेना है तभी तो तीन में से एक गया तो दो इवन संख्या होगा, तो ये दोनों को तो सही मान लिया। अब ए में से सी का घटाकर और मोड देखते हैं कि इवन आ रहा है कि नहीं, तो पांच में से अगर एक घटाएंगे तो चार, और चार का मोड भी चार होगा और चार इवन संख्या भी होगा, यानी कि ये दोनों को सही मानने पे ये सही हो जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बातें सही है। अगर ऐसे भी तो हमको चेक करने की थोड़ी नहीं थी, हमको तो शो करने थे, तो डायरेक्ट हम काम कर सकते थे व्हिच इज ट्रू, ये सही है, सो इट इज ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव हो जाएगी। और फाइनली आंसर करते हैं तो हेंस लिखेंगे, हेंस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव, इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग करते हैं रिलेशन क्वेश्चन को। नवा नंबर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी शो करना है, और नवा का दो क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि पहला और दूसरा, दोनों क्वेश्चंस को हमको शो करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी कि ये भी इक्विवेलेंस है, ये भी इक्विवेलेंस है, यानी कि नवा का पहला सवाल और दूसरा सवाल दोनों इक्विवेलेंस प्रूव करना है। अब इक्विवेलेंस प्रूव करने से पहले इस सेट को जरा समझ लेते हैं कि ये सेट क्या दिया हुआ है। ये सेट जो दिया हुआ है एक्स बिलोंग्स टू जेड, जेड का मतलब होता है इंटीजर, जैसे 1, 2, 3, 4, -1, -2, 0 को लेकर -4, ऐसे करके इनफिनिटी तक। तो अब जेड तो लेना है लेकिन पूरा जेड नहीं लेना है, एक्स का वैल्यू बोल रहा है कि 0 से लेकर 12 तक, यानी कि हम बोल सकते हैं इक्वल लिखा हुआ है तो 0 भी शामिल करेंगे। तो इस सेट का मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि इस सेट में जो यूज कर रहा है 0, 1, 2, 3 कहां तक, तो 12 तक यूज कर रहा है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इंटीजर, इंटीजर का यूज कर रहा है कहां से कहां तक, तो 0 से लेकर 12 तक, यानी कि हम लोग ये 0 से लेकर 12 तक का सेट बना सकते हैं। इसी में से हम लोग जो यूज कर रहे हैं, यानी कि जरूरत पड़ने पर उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। हालांकि आप हमेशा देख पा रहे हैं कि शो करने वाले में इक्विवेलेंस है, तो सिर्फ लैंग्वेज को लिखते चले जा रहे हैं और ट्रू 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 करते चले जा रहे हैं। तो पहले सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन में ए बी में कैसा रिलेशन है, तो ए और बी में रिलेशन जो दिया हुआ है वो ए माइनस बी का मॉड इज मल्टीपल ऑफ 4, ये चीजें दिया हुआ है, और हमको इसको शो करना है कि इक्विवेलेंस है। तो हमको पहला इस सवाल को चेक करते हैं, चेक कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए फॉर्मूला क्या, ए आर ए, ए आर ए का मीनिंग क्या होगा, जब ए आर बी का मीनिंग, ए आर बी का मीनिंग ये है, तो ए आर ए का मीनिंग होगा ए माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि 0 इज मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि 0 किसी भी संख्या का मल्टीपल हो सकता है, तो ये बातें सही है, व्हिच इज ट्रू, ये बातें सही है, सो इट इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब इसी को हम लोग को चेक करते हैं, चेक सिमेट्रिक,
सिमेट्रिक को कैसे चेक करेंगे, तो इसके लिए फार्मूला है ए आर बी से बी आर ए। अब ए आर बी का मीनिंग क्या है, तो ए आर बी का मीनिंग है ए माइनस बी का मॉड इज मल्टीपल ऑफ फोर, और बी आर ए का मीनिंग क्या है, तो बी आर ए का मीनिंग है बी माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ फोर, मल्टीपल ऑफ फोर यानी कि चार का गुणज होना चाहिए। तो अब आपको ए और बी का ऐसा सेट लेना होगा जो ए माइनस बी का ऐसा ए और बी का वैल्यू ऐसा लेना होगा जो चार का गुणज है। चार का गुणज का मतलब चार चौदह आठ बारह पंद्रह बारह सोलह ऐसे होना चाहिए जो चार का मल्टीपल है। तो हम ए का वैल्यू क्या ले लेंगे, ए का वैल्यू अगर बारह ले लेंगे और बी का वैल्यू अगर चार ले लेंगे तो बारह में से चार घटाएंगे तो आठ मिलेगा और आठ का मोड भी आठ होगा, तो आठ तो चार का मल्टीपल है, चार में दो से गुणा करते हैं तभी तो आठ आता है, तो ये बातें तो सही हो जाएगा ए और बी के इस मान पे। इस मान का मतलब है कि हम कभी भी पंद्रह नहीं दे सकते थे चेक करने के लिए, हमेशा जीरो से लेकर बारह तक का यूज करना है सेट का। अब इसको b माइनस ए करेंगे तो b माइनस ए माइनस आठ होगा और माइनस आठ का मोड आठ होगा और आठ भी चार का मल्टीपल है, यानी कि ये निगेटिव को पॉजिटिव बना देता है जैसा कि हम पिछली दफा में डिस्कस किए थे। तो इसके वजह से इसको सही मानने पे ये सही हो जा रहा है। तो यहाँ पे लैंग्वेज लिख देंगे रीच इज ट्रू सो इट इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके आगे चेक करने के लिए, चेक ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव को चेक करने के लिए फार्मूला क्या है, तो ए आर बी बी आर सी से ए आर सी मिलना चाहिए। तो ए आर बी का मतलब क्या, ए आर बी का मतलब ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ फोर। लैंग्वेज को लिखना पड़ेगा दोस्तों क्योंकि रिलेशन में लैंग्वेज ही है ये है और इसमें कोई अलग अलग बात नहीं है। तो बी माइनस बी इज मल्टीपल मल्टीपल ऑफ फोर इससे मिलना चाहिए, ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ फोर। तो कहने का मतलब कि इस चीजों को सही मानने पे, ये दोनों चीजों को सही मानने पे ये चीजें सही होनी चाहिए और होंगी भी अगर आप चेक करोगे तो, क्योंकि हमको प्रूव भी करनी है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हम बिना चेक किए हुए इसको ट्रू करते हैं, अगर आपको विश्वास नहीं है तो इसको प्रूव भी कर सकते चेक भी कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा सो इट इज ट्रांजिटिव है। सो इट इज ट्रांजिटिव है कहने का मतलब कि ए और बी और बी और सी का मान इसी सेट से लेना है कि मल्टीपल होना चाहिए चार का। अगर आप ए में से सी का घटाओगे और फिर इसका मॉडुलस निकालकर तो वो भी चार का मल्टीपल आ जाएगा, बस हमें इसको और इसको यानी दोनों पार्ट को सही मानना होगा, सही मानने पे सही आने चाहिए रिजल्ट। तो यहाँ से फिर अंत में लिख देंगे कि इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये तो पहला को चेक किए, अब चलिए चेक करते हैं दूसरा को। तो दूसरा में ए और बी में कैसा रिलेशन है, तो ए बराबर बी का रिलेशन है। दूसरा में ये रिलेशन ए बराबर बी दिखा रहा है, दूसरा सॉल्यूशन कर रहे हैं। ये चीजें क्या है, ये चीजें गिवन है और हमको रिफ्लेक्सिव को चेक करने के लिए तो ए आ रहे चाहिए। अब इसका मीनिंग क्या होगा, तो इसका मीनिंग हो जाएगा ए बराबर ए। तो क्या ए और ए बराबर सही बात है कि गलत बात, तो सही बात। तो विच इज ट्रू ये सही है, सो इट इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अगर हम इसी को हम लोग चेक करेंगे सिमेट्रिक को, तो सिमेट्रिक कैसे करेंगे, सिमेट्रिक को चेक सिमेट्रिक, सिमेट्रिक को चेक करने के लिए फॉर्मूला है ए आर बी से बी आर ए। ए आर बी का मतलब क्या, ए और बी बराबर, इसका मतलब क्या बी और ए बराबर। हम मान लेते हैं कि ए और बी बराबर है, तो क्या बी और ए बराबर है, जैसे मान लिया कि ए बराबर बी चार और बी बराबर बी चार, ये दोनों बराबर है, हम तो बराबर होगा ही होगा, यानी कि ये बातें भी सही है। विच इज ट्रू सो इट इज सिमेट्रिक लिख दीजिएगा। लैंग्वेज में तो कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किए हैं। तो विच इज ट्रू सो इट इज सिमेट्रिक। अब चलिए चेक करते हैं ट्रांजिटिव को, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या फार्मूला है, ट्रांजिटिव के लिए भी फार्मूला वही है जो हम बहुत बार यूज किए हैं, ए आर बी बी आर सी
से ए आर सी, ए आर बी का मीनिंग दूसरा क्वेश्चन के लिए, ए जो है बी के बराबर है, इसका मीनिंग है बी सी के बराबर है, तो क्या हमको रिजल्ट मिल सकता है अगर ये दोनों बराबर हो जाएगा तो ए और सी बिल्कुल बराबर होगा, ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो ए सी के बराबर होगा ही होगा। यहाँ दीजिए विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, सो इट इज ट्रायंगल, यानी कि ये भी इक्विवेलेंस हो गया, यानी कि इक्विवेलेंस का यही मतलब होता है कि जो चीजें जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रायंगल भी हो, वो तीनों का तीनों सही हो जाए तो हमको मिल सकता है, उसी को नाम हो जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये हम लोग पार्ट टू डिस्कस कर रहे थे, पार्ट टू में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस किए हैं 9 तक, अगले वीडियो पार्ट थ्री के नाम से आएंगे, ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू होगी। तो